उसे लगा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, तो उसने ओपन फायर कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स टुडे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ, नॉट एग्जैक्टली टाइम ट्रैवल। सो फ्रेंड्स, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट स्किप दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में हम पास्ट में जो हमारे एंसेस्टर लोग ने किया है उसके बारे में थोड़ा सा देखने वाले, क्या किया है उन्होंने। अभी यहाँ से जो आगे का रोड है ना, वो सच में एंजॉय करोगे। बहुत नैरो रोड है, बहुत मजा आता है बाइक। बट आप जब भी यहाँ पे आओगे ना, तो एक खेत रहना है, गाँव है टोटल। ड्रैग रेस विद कोमड़ा, ये पहली बार सुना रहे मैंने। ये छोटा सा राम मंदिर है यहाँ पे, 90 डिग्री का टर्न। जीवन का लग रहा है इसे, और यहाँ पे लिखा है महागणपति कड़े मंदिर कड़े। Look at the roads, guys. और हम पहुंच गए यहाँ पे। तो ये मंदिर है, सामने पार्क करेंगे हम लोग। आया हूँ चिरनेर का महागणपति के लिए यहाँ पे आया हूँ, और मेरे साथ कुछ लोग भी है। Hi. आप इसको तो जानते होंगे, इसको भी जानते होंगे। आज ये नया बंदा है, इसका नाम, इसको इंस्टा पे फॉलो कर दो, बहुत अच्छा बंदा है, नेक बंदा है। 19 नीचे आ जाएगा, सर्च कर लो। यहाँ पे आने का एक अलग ही रीजन था, वो दिख रहा है ब्लू कलर का जो स्तंभ है, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। वो इतिहास के पीछे जो पूरा कहानी है वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा एक नज़ारा दिखाता हूँ। आप जो देख रहे हो पीछे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना सन्नाटा है, कितनी खामोशी है यहाँ पे। लेकिन ये खामोशी 1930 में नहीं थी यार। इस खामोशी आप इमेजिन नहीं करोगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। आप मेरे पीछे जो पीछे स्टैचूज दिख रहे हो, जो स्मारक दिख रहे हैं, उनका एक अलग हिस्ट्री है जो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो 25 सितंबर 1930 में यहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पे क्रांति हुई थी। जो सह्याद्री एरिया में जो जंगल है उसे बचाने के लिए यहाँ पे लोगों ने सत्याग्रह किया था। तो जो भी लोग वहाँ पे क्रांति कर रहे थे, तो उन्हें वो मंदिर में, जो आपको मंदिर दिखाया, वहाँ पे बंद किया था उन्होंने। जब भी जनरल, जो ब्रिटिश जनरल था, उसे लगा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, तो उसने ओपन फायर कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये 7 जून 1932 में पहला स्मृति स्तंभ बनाया गया था। फिर आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ पे एक ब्लू कलर का जो दिखाया था वो एक स्तंभ है। तो यहाँ पे आने का मेरा एक ही मोटो था, जिन्होंने मेरे लिए जो जीवन का बलिदान दिया है उनके प्रति एक रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान सबके दिलों में होना चाहिए। बहुत सारे हिस्ट्री में घटना हुए हैं जो हमें मालूम नहीं है, मुझे भी ये नहीं मालूम था। लेकिन मैं पिछले टाइम जब मेरे फैमिली के साथ आया था, तो मुझे ये पता चला कि ये इसका हिस्ट्री है, तो मैं इन लोग को यहाँ पे लेके आया। तो ये एक स्मारक है यहाँ पे, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप
देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। तो वहाँ पे सत्याग्रह के जो सीन्स है वो एक्चुअल में ड्राइंग करके दिखाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो ये चीज़। सकते हो दिस इज द प्रूफ, लाइव प्रूफ आपको दिखेगा ऊपर, वहाँ पे लिखा है कि 25 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ बंदूक की गोली लगा हुआ ये प्रूफ है। आप यहाँ पे आके ये देख सकते हो, मंदिर के स्टार्टिंग एंट्रेंस में ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आके जो फीलिंग मिलता है ना वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। क्योंकि यहाँ पे पीछे देखेंगे ना तो एक तालाब है जो इतना पीस देता है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आगे जो सामने जो स्मारक है वो हमेशा मुझे याद दिलाता है कि मेरे जो एंसेस्टर है, जो मेरे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या हेरिटेज रखा है, वो हमेशा मुझे याद दिलाता रहता है। और ये जो मंदिर है वो तो हमेशा पीस देता है मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ और आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप भी कभी जब भी आपको टाइम मिलेगा तभी आप यहाँ पे आओ और देखो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है। मैं अभी वीडियो एंड करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट एवरीवेयर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।